हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब जहाँ भी होंगे हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। एज अ पेरेंट हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे हैप्पी हों, हमारे बच्चे सक्सेसफुल हों। हर एक माँ बाप कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ता अपने बच्चे को खुश करने के लिए। हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हों, लाइफ में उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, वो हमेशा नई ऊँचाइयों को छुएँ। रिसेंटली मैंने अभी एक पेरेंट सेमिनार अटेंड किया। इट वॉज अ काउंसलिंग सेशन और काफ़ी पेरेंट्स थे और काउंसलर हमारे काफ़ी अच्छे थे। एक ऑनलाइन सेशन था ये और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी जो डेफिनेटली हमारे बच्चों को खुश रहना सिखाएगा, डेफिनेटली हमारे बच्चों को सक्सेसफुल बनाएगा लाइफ में। और मैं चाहती थी कि ये सारी चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, अपने यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँ। सो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद अदर्स ऑल्सो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें और वहाँ पे ऑल का सिलेक्शन कर लें ताकि हम जब भी कोई इंपॉर्टेंट और इंटरटेनिंग एंड पावरफुल वीडियो डालें तो वो आप तक ज़रूर पहुँचे, आप एक भी वीडियो मिस ना करें। हमारे चैनल पे और भी बहुत सारे यूज़फुल कंटेंट हैं, स्कूल सिस्टम, होम स्कूलिंग, पेरेंटिंग एंड बहुत सारे फेस्टिव व्लॉग्स हैं, तो आप ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगेगा। हमसे जुड़े रहिए, हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कीजिए, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको अच्छी लगेंगी, इन्फॉर्मेटिव भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज अप्रिसिएशन। एम फॉर अप्रिसिएशन या फिर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। आजकल हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, हम अपने बच्चों को बहुत इजीली चीज़ें उपलब्ध करा देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर आपका बच्चा 2-3 साल की एज ग्रुप में है तो हम क्या करेंगे, क्रेयॉन सेट ले आएंगे। अच्छा, वो थोड़ा बहुत खो गया तो स्केच पेन ले आया, वाटर कलर भी ले आया, ड्राइंग शीट्स भी लिए, एक क्यों ले आते हैं और भी ले आए। तो हम अपने बच्चों को इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल करा रहे हैं, उनको सब कुछ इतना ईजिली मिल जाता है कि उन्हें चीज़ों की वैल्यू नहीं रहेगी। आपने ये नोटिस किया होगा, मैंने खुद नोटिस किया है, अगर कुछ टूट गया तो उन्हें उतना दुख नहीं होता है, अनलेस अंटिल दे आर वेरी अटैच टू दैट पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये चीज़ खो गई या ख़राब हो गई तो मम्मी पापा फिर से ले आएंगे, हमें मिल जाएगी ये चीज़ें। तो आपको सबसे पहले बच्चों को सिखाना है अप्रिसिएशन। मैंने ये प्रैक्टिस खुद पर्सनली स्टार्ट कर दी है बिकॉज ये आज के बच्चों के 20s के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम एज अ पेरेंट इतने सक्षम हैं, चीज़ें इतनी ईजिली अवेलेबल हैं, तो हम दे दिया करते हैं कि क्यों बच्चों को इन चीज़ों से नहीं, इन चीज़ों को ना दिया जाए, हम खुद को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। आजकल हमने क्या शुरू किया है या जो हमें करना चाहिए इन जनरल, जब भी आप बच्चों के साथ थोड़ा टाइम बैठते हो या तो डिनर टेबल पे बैठो या खाने के टाइम, खेलने के टाइम, कभी भी एक क्वाइट टाइम जब आप हस्बैंड वाइफ हो साथ में या घर के और भी मेम्बर्स हो, डिस्कस कीजिए कि आपका दिन कैसा रहा, उस दिन में क्या अच्छा था। जैसे कि जब मैं अभिषेक घर पर आते हैं तो मैं अक्सर उनसे बात करती हूँ कि और बताओ आज का दिन कैसा रहा, तो हिल बी लाइक यार अच्छा रहा। और ये हम इंटेंशनली, क्योंकि हम इंडियन पेरेंट्स की ये प्रैक्टिस नहीं होती है, अब्रॉड में ये काफ़ी जनरल चीज़ें, हाउ वाज योर डे, दिल सिट ऑन द डिनर टेबल, दिल हैव टॉक विद देयर फैमिली, हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। यहाँ खाना खाने बैठेंगे, टीवी चला दिया, बैठ के खा रहे हैं बच्चे, या तो फ़ोन देख के खा रहे हैं या तो बस खेलते खेलते आप बच्चों को खिला रहे हो, तो आपका पूरा फोकस रहता है बच्चे खा लें हम खा लें, जल्दी काम नहीं पड़ जाए और भागो। लेकिन ये थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कीजिए, अगर आप खाने के टाइम पे नहीं तो थोड़ा क्वाइट टाइम बैठिए। तो मैं पूछती हूँ अभिषेक से कैसा रहा आपका दिन, वो कहेंगे यार आज तो बहुत ही अच्छा दिन रहा, आई एम सो थैंकफुल कि काम जल्दी निपट गया और मैं आ गया, तुम लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम मिला। इन रिटर्न आई विल टेल, आज का दिन तो मेरा भी सच में बहुत अच्छा, मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ कि जब हम पार गए तो काफ़ी टाइम मिला मुझे आज बच्चों के साथ, बच्चों के साथ मैं खेल पाई आज, उतना रश नहीं था और सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, आई एम सो थैंकफुल। एंड किड्स विल बी लाइक, इसमें थैंकफुल क्या है, पार्क तो रोज जाते हैं, पार्क जाना भी एक ब्लेसिंग है, आपको उन्हें समझाना है। ये मैंने एक कॉन्वर्जेशन इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे भी काफ़ी ऐसा लग रहा था कि उनको पहले रिलेटेबल, बच्चे छोटे हैं ना तो वो बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं समझेंगे, तो अभी कोविड में सारे बच्चे घर में बंद थे तो सबसे रिलेटेबल पॉइंट मुझे यही लगा कि देखो अब पार्क जा पा रहे हो, उस टाइम पे नहीं जा पा रहे, तो ये ब्लेसिंग है कि हम जा पा रहे हैं, वैक्सीन्स आ गई हैं, लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, तो ये हमारी ब्लेसिंग्स हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ गिविंग, शेयरिंग, लोगों को देना, ये आपको बहुत ज़रूरी है सिखाना कि जो देता है उसका हाथ हमेशा ऊपर रहता है और जो लेता है हमेशा उसका हाथ नीचे रहता है, नो मैटर उसके पास ले ले के कितना भी भर जाए। तो जब आप देना सिखाते हो बच्चों को तो उनका दिल काफ़ी बड़ा हो जाता है, बहुत काइंड होते हैं वो, एम्पैथी सीखते हैं, काइंडनेस सीखते हैं, और ये आपके बच्चे को खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है।
और बच्चे काफ़ी सिंपैथेटिक हो जाते हैं, और ये सारी चीज़ें मिलकर उन्हें एक सक्सेसफुल इंसान बनाती है, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। उस टाइम पे एक ही चीज़ आपके बच्चे को हमेशा जो ऑन ट्रैक रखती है वो होती है उनकी खुशी, अंदर की खुशी, उनका जज्बा। तो जब भी हम एज ए पेरेंट, मैं बता रही हूँ, मैं जो भी चीज़ें करूँगी ना बहुत ही प्रैक्टिकल सेंस में मैंने खुद फील की हुई, इसलिए मैं आपसे ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि अगर हम स्नैक्स देते हैं तो बच्चों को क्या करती हूँ मैं, माही को अलग दे दिया, मायरा को दे दिया, तुम लोग अपना अपना बैठ के खाओ, फटाफट फिनिश करते हैं फिर जाते हैं। वॉट वी हैव टू डू इज, जब हम छोटे थे तो हमें अक्सर कहा जाता था कि मम्मी पापा को या पापा को बुला के ले आओ, दादा को बुला के ले आओ, दादी को बुला के ले आओ, साथ में खाएंगे। या जब मैं भाई बहन थी, कई बार ऐसा होता था पापा मार्केट नहीं जाते थे, घर में एक फ्रूट होता था ना तो मम्मा उसमें से कट कर देती थी, तो माँ हाफ मैंने खाया हाफ भाई ने खाया। तो धीरे धीरे ये हैबिट हो गई थी कि जब भी आप कुछ खाती थी ना मैं, तो मुझे ऐसा लगता था यार ये भाई को देना है, या आप जब कुछ करते हो तो आपको लगता है यार भाई ने किया है या नहीं, ये भाई को लेकर चली जाऊँ क्योंकि मैं बड़ी हूँ। तो ये सारी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें डेवलप करनी होती है। जब आप देती हो तो आप ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबल बनते हो बल्कि आपका दिल काफ़ी बड़ा हो जाता है, आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, यू फील कनेक्टेड टू पीपल, यू फील फॉर देम। सो ये सेकेंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गिविंग अदर्स। थर्ड पॉइंट इज रीडर्स, रेजिंग रीडर्स। यू लुक बैक एट द हिस्ट्री देन यू विल सी मेनी ग्रेट पीपल लाइक गांधी जी, अब्राहम लिंकन, विवेकानंद जी, ये सारे बहुत ही अच्छे रीडर्स थे, इनको किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। आजकल के टाइम पे ना इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल है, यूट्यूब देख लीजिए आप, टीवी देख लीजिए, फ़ोन हो गया, स्मार्टफोन हो गया, तो हर जगह इतनी सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को बहुत कुछ पता चलती हैं। लेकिन आपको एक मैं डिफरेंस बताना चाहूँगी कि जब आप किसी जगह से चीज़ें लेते हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आपने लिया, कुछ फ़ोन में सीखा, कुछ टीवी में देखा, तो आप इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, लेकिन जब आप बुक से कुछ पढ़ते हो तो आप नॉलेज गेन करते हो। नॉलेज का एक फ्यूचर होता है, फ्यूचर इज़ फॉर नॉलेज। तो आपको हमेशा अपने नॉलेज को बढ़ाना है, अपने बच्चों के नॉलेज को बढ़ाना है, तो बचपन से उन्हें एक अच्छा रीडर बनाइए। माही को हमने इस रीडिंग की हैबिट काफ़ी छोटे से, जब वो छोटा था ना 6-7 महीने का, तब से उसके सामने किताबें खोलना और मतलब उन्हें यूज़ टू कराने की, हाँ बुक्स की भी एक दुनिया होती है। हमारे घर में बुक्स का काफ़ी कलेक्शन है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, इससे पहले भी मैंने काफ़ी शेयर किया हुआ है। हम टाइम टू टाइम बच्चों की बुक्स पे स्पेंड करते हैं बिकॉज वी फील की इट इज़ वर्थ इट। एक पिज़्ज़ा पे हम आराम से 600-700 रुपये महीने में लगा देते हैं, महीने में क्या हफ्ते में लगा देते हैं, बट जब बुक खरीदने की बात होती है तो हम सोचने लगते हैं यार ये 200 की है, ये 300 की है, 400 की, वो आपको नहीं सोचना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फिटनेस। जो फिट है ना सिर्फ उसका शरीर खुश है, उसका मन खुश है, और जब आप खुश रहते हो तो ऑब्वियसली आप सारी चीज़ें बहुत स्मूथली करते हो। आजकल के टाइम पे जब बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर का खाते हैं, उतनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने बच्चे में इनकलकेट करनी है बहुत ही अर्ली एज से। इसके लिए आप बहुत छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सरसाइज नहीं कराओ, लेकिन बच्चों की ऐसा कहते हैं कि 1.5 से 2 घंटे उनकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। आजकल के बच्चों में आप देखोगे स्ट्रेस बढ़ रहा है, डिप्रेशन, छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो जाता है, ये नहीं मिला उसका डिप्रेशन, ये नहीं कर पाए उसका डिप्रेशन, कंपटीशन कम मार्क्स आ गए फर्स्ट नहीं आए उसका डिप्रेशन, छोटे छोटे बच्चों को। एंड एक्सरसाइज इज़ ए टूल जो आपको हमेशा स्ट्रेस से और डिप्रेशन से दूर करता है। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, जब आपकी बॉडी चल रही होती है, तो आपके बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन कम होता है और हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते जाते हैं। सो दिस इज़ साइंस। सो द मोर अ चाइल्ड विल प्ले, इसीलिए ज़रूरी है कि वो बहुत खेलें, खेले मतलब घर में बैठ के वो वाला खेल नहीं, दौड़ने वाला खेल, भागने वाला खेल, पसीना निकल जाए वो वाला खेल, जैसा हम खेला करते थे बचपन में। तो आप ज़रूर एटलीस्ट 1 घंटा हर रोज़ निकालिए अपने बच्चे के साथ, वो सर्टेन फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, वो सर्टेन एक्सरसाइज करने के लिए, सो दैट दे रिमेन हैप्पी ऑलवेज। लास्ट पॉइंट है क्रिएटिंग न्यू स्टाफ या क्रिएटिंग न्यू थिंग। क्रिएशन एक ऐसा पावरफुल टूल है कि आपको एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन देता है। रिमेंबर जब आप माँ बने थे, आपने एक नई चीज़ को क्रिएट किया था, तो जो हैप्पीनेस होती है वो इस वजह से भी होती है कि आपने कुछ क्रिएट किया है, आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन आपको एक अलग खुशी मिलेगी। आप कोशिश करना बच्चों के साथ हर वीकेंड एक नई एक्टिविटी करो। आपको लग रहा है क्या करूँ यार बोरिंग, मुझे तो खुद मन नहीं करता कि मैं क्या काटूँ वाटूँ, कुछ नहीं करो, एक कागज़ की नाव बना लो, बनाते थे ना जैसा बचपन में हम, वो कागज़ की नाव बना लो, आप एरोप्लेन बना लो पेपर का, कुछ कुछ भी करो आप, कुछ नहीं तो थंब पेंटिंग कर लो, हैंड पेंटिंग कर लो, पकड़म पकड़ाई खेल लो, हाइड एंड सीक खेल लो, कुछ भी खेल लो, फ्रिस्बी खेल लो, कुछ भी नया करो बच्चों के साथ जो उनके लिए नया हो, जो उन्होंने ना किया हो।
जब भी आप कोई नई चीज़ करते हैं बच्चों के साथ तो उनका ब्रेन डिफरेंटली एक्ट करता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है. ऑल्सो इट हेल्प्स देम टू गेट अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन. दीज आर सम रियली 5 पॉइंट विच आई हैव लर्न. और मैं इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे जहाँ भी लैक कर रही हूँ मैं एज ए पेरेंट, मैं ट्राई कर रही हूँ कि अपने बच्चों के लाइफ में उतारूँ, उन्हें सिखाऊँ. और पहली चीज़ जो मैंने आपसे डिस्कस की मैंने स्टार्ट कर दी है, वो अप्रिसिएशन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट करा दी है. और आप भी ज़रूर करें, अगर आप खुद करेंगे बच्चों के साथ तो ये बहुत ही मतलब बहुत पावरफुल है. दिस इज़ वेरी पावरफुल. अप्रिसिएशन ग्रैटिट्यूड इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द यूनिवर्स. And it will lead your child to a very, very successful and happy life. So I hope ये video आपको अच्छा लगा होगा, relatable लगा होगा. And please अच्छा लगे तो लोगों के साथ share करें, अपने comment बताएं. कोई और extra चीज़ जो मुझे करनी चाहिए, जो आप कर रहे हैं, वो भी share ज़रूर किया कीजिए. And stay connected to us, subscribe to the channel. And this is all for today. I'll see you in my next one. Till then, bye bye, take care.